Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns. जय माता दी। दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा निफ्टी फार्मा का पीएम यानी कि प्रधानमंत्री और उसके तीन मंत्री। मुझे ये सेक्टर फार्मा सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, एक टर्न अराउंड लग रहा है और नए हाई का एक प्रबल दावेदार है। तो इसका सबसे बेस्ट बेट फार्मा का क्या है, कौन है इसका प्रधानमंत्री, वो मैं आपको बताऊंगा। तीन फार्मा के स्टॉक्स एक बड़ी रीरेटिंग के कैंडिडेट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बात करते हैं पहले फार्मा के इंडेक्स की। तो देखिए, ये है निफ्टी फार्मा का टेक्निकल चार्ट। ये देखिए, ये आप देखेंगे करेक्शन आई, अब एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, टर्न अराउंड हुआ है, ऊपर नीचे होगा। ये देखिए, इसके ऊपर निकला है, ये देखिए फार्मा इंडेक्स इसके ऊपर निकला है, एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट करते हैं, चार्ट बेहतरीन है। यहाँ पर एक ऑल टाइम हाईज लगाने के बाद अक्टूबर 21 से स्टॉक करेक्शन के अंदर आया था, ऑल टाइम हाईज लगाने के बाद एक करेक्शन के अंदर आया था और आप यूं करके एक चैनल ड्रॉ करेंगे तो चैनल में से भी ब्रेकआउट हो रहा है और निफ्टी फार्मा का इंडेक्स काफी अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं भैया ये नया हाई लगा सकता, क्यों नहीं इन हाईज को टेस्ट कर सकता है, 14,700 के स्तरों को क्यों नहीं टेस्ट कर सकता है। सबकी आंखें दूसरे सेक्टर्स पर हैं और हमेशा वो सेक्टर चलता है जहां पे किसी की निगाहें नहीं होती हैं। तो सेक्टर अच्छा लग रहा है। अब इसका प्रधानमंत्री कौन है, देखिए इसका प्रधानमंत्री है फार्मा का ETF फार्मा 20। अगर आप देखें निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का ये फार्मा का ETF है, 12.97 रुपए, 13 रुपए के अराउंड चल रहा है। और काफी लोगों को ना फैंसी होती है, भैया पैनी स्टॉक में काम करेंगे, पैनी स्टॉक में, तो इसको पैनी मान ले। और ये देखो, ये थे इसके 2022 के हाइस थे, नई लिस्टिंग है और फार्मा इंडेक्स में मुझे अच्छी तेजी लगती है, ये एक नई लिस्टिंग है। तो मेरा जो फार्मा का पीएम है वो है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले तो जो फार्मा का ETF है फार्मा 20, वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है और यहां पर मेरी एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। तो अब बात करते हैं इसके तीन मंत्रियों की। तो तीन स्टॉक जो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, पहला तो है डिवीज लैब का आप चार्ट देखें तो चार्ट काफी बुलिश है। चार्ट में अगर आप देखें तो भैया यहां से ये अक्टूबर 21 में टॉप आउट हुआ था 5300 रुपए के अराउंड, वहां से करेक्शन देखी हमने 2800 तक की। अब करेक्शन खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है स्टॉक ये जल्दी 3800-4000 की तरफ जा रहा है। तो डिप्स पे खरीदना है भैया, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये चार्ट है डीवीज को, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ निचले स्तरों पर रिकमेंड किया था, मंथली चार्ट भी आपको दिखा चुका हूं, ये वीकली चार्ट है। तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर एक खरीदारी की राय है। दूसरा स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है अरविंदो फार्मा। भैया एक करेक्शन देखने को मिली थी, टेक्निकली करेक्शन खत्म हो चुकी है, पैटर्न काफी स्ट्रांग है, 658 के अराउंड चल रहा है, चार्ट्स आपके सामने है। मुझे लगता है जल्दी यहाँ पर 715-725 के लेवल्स अरविंदो फार्मा में देखने को मिलेंगे। ये मंथली चार्ट भी देख लीजिए आप, रिवर्सल दिख रहा है, ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट है। हर टाइम फ्रेम पर पैटर्न्स एकदम बढ़िया हैं। आपके साथ मैं तीसरी पिक शेयर करूं, उससे पहले मेरी गुजारिश है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी गुजारिश है, मेरी मेंबरशिप ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके मेरी यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। तो तीसरा जो स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है सन फार्मास्यूटिकल, और ये है सन फार्मास्यूटिकल का डेली चार्ट। इसको अगर आप वीकली करेंगे तो समझ में आएगा, एक मिनट, ये देखिए ये चार्ट है इसका, ये वीकली चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, चार्ट देखिए एकदम बढ़िया है और स्टॉक जो मुझे लगता है अपने 2015 के हाईस को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। टेक्निकली मुझे एक नए लाइफ टाइम हाई का एक प्रबल दावेदार लगता है इन स्तरों पर, करेक्शंस पर सन फार्मा में मेरी खरीदारी की राय है। तो ये थे मेरा मतलब कि सेक्टर फार्मा सेक्टर। यहां पर सबसे पहले तो सबसे बेस्ट बेट तो है फार्मा सेक्टर का ETF जो मुझे काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है वहां पर निवेश करना चाहिए एक मीडियम टर्म का नजरिया बना के, और ट्रेडिंग के नजरिए से अगर आप देखें तो डीवीज लैब, अरविंदो फार्मा, सन फार्मा पर मेरी खरीदारी की राय है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अपना प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।